ब्रेकिंग न्यूज़, मेरठ के लिसाडीगेट थाना क्षेत्र श्यामनगर से कोरोना वायरस का एक संदिग्ध पाया गया है जिसका नाम दिलशाद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए इसको ले गई है और लोगों में पुलिस के प्रशासन के बार बार समझाने के बावजूद भी पब्लिक सड़कों पर आ रही है। कोरोना को एक खेल ना समझे, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर 21 दिन हमने सावधानी के साथ इसको रोकने की कोशिश की तो शायद ये रुक जाए, लेकिन अगर हम लापरवाही के साथ अपने कामों में लगे रहे तो कहीं हालात इतने ख़राब ना हो जाए कि संभालने में ही ना आए। तो दोस्तों, हमारा सबसे निवेदक है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके सड़कों पर ना निकलें, बाहर ना निकलें, घरों में ही रहे और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करें। दोस्तों, इस व्यक्ति की अभी जांच की जा रही है, अगर जांच में पॉजिटिव पाया गया तो हमारे मेरठ वासियों के लिए ये बहुत बुरा समाचार होगा और आने वाले वक्त में शायद हमें बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़े, क्योंकि मेरठ में अगर ये वायरस आ गया तो इससे कितनी नुकसान होगा, कितना हम लोगों का जानी नुकसान होगा, ये शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि हमारे भारत में तो ये आ चुका है और दुनिया भर में जो है इसने कितना कोहराम मचाया है, कितने लोगों की जाने गई हैं, कितने लोग बेचारे परेशान हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पूरा पालन करें, घर से बिल्कुल ना निकलें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान करें, दिन में कम से कम 5-7 बार हाथ धोएं, मुंह धोएं और जितना पाक साफ हो रह सकते हैं उतना पाक साफ रहें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग शायद मेरी बात समझ जाएं और जन जन के सभी जनता के लिए, अपने लिए, अपने माँ बहन भाइयों के लिए, पूरे भारत के लिए जन सेवा में लग जाएं और अपनी भी चिंता करें और दूसरों की भी करें और इस खतरनाक जहर को फैलने से बचाएं।